शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से आपको अपनी बहू पे भरोसा ही नहीं था। देखिए आपकी उम्मीदों पे खरी उतरी या नहीं। अरे रितु, घर की चमक को देकर आपके चेहरे की चमक क्यों उड़ गई? हमें पूरा यकीन था कि कीर्ति जरूर बदलेंगी। वरुण के प्यार ने बदल दिया उनको। सच कह रही है आप भाभी, बदल तो दिया है उसने हमारे वरुण को। देखिए वहाँ जरा। नमस्ते तनुजा जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी बच्चों के बारे में। आपने जो भी चीजें श्रद्धा के लिए लिए वो तो सारा कीर्ति को चला गया। आपको नहीं लगता है कि श्रद्धा का भी कुछ हक बनता है? हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जैसे हमारी हुई है। हाँ। ये लो मीनी, मुंह मीठा करो, खुश रहो खुश रहो। कॉन्ग्रेचुलेशंस अभय, मुझे पता था कि तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। थैंक यू पापा, आपके इस निकम्मे बेटे को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जी तेरा बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बेटा माफ करना, मैंने थोड़ा। पापा मैं समझता हूँ। तुम्हारे लिए अब इसकी क्या जरूरत है पापा? बेटा तुम्हें जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी जेब पहले ही किसी ने भर दी है। रख। बारिश कहीं भी हो पर आपके बादल हम पे ही बरसेंगे, है ना? अब पहला दिन आज निकलता हूँ, लेट हो जाऊंगा। ठीक है चलो। अब सुनिए, ओफो तुमने उसे पीछे से टोक दिया। अरे उसकी नौकरी का पहला दिन है, ये अपशकुन होता है। मम्मी जी टिफिन देना भूल गई थी। हाँ तो अब दे दो। थैंक यू। मम्मी जी मुझे भी देर हो रही है, बस सामान ले लेती हूँ, मैं भी ऑफिस के लिए निकलती हूँ। चल। इतना समझाया इस लड़की को, माँ बन के भी समझाया, लेकिन मजाल है कुछ समझे? वरुण को दफ्तर जाने के लिए देर हो रही है लेकिन नहीं, उसके लिए नाश्ता बनाना तो दूर, चली गई अपनी सहेली के घर पे। हम भी पता नहीं क्यों इनसे कोई उम्मीद ही करते हैं। जिसने आज तक कभी कुछ नहीं किया अब क्या करेंगी? हमें तो वरुण को नाश्ता देना होगा ना। सर प्लेट्स कहाँ चली गई? की प्लेट्स कहाँ हैं? मम्मी जी सेट तो खराब हो गया ना, तो हमने दे दिया। किसको दे दिया? कूड़े वाले को। अब घर में मेहमान आते तो हम दूसरे कलर की प्लेट देते तो बुरा लगता ना, तो इसलिए हमने नई खरीद ली।
वो ऐसे भी पुरानी हो गई थी। हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बुआ जी, आप भी देखिए। मम्मी जी ये देखिए ना, कितना सुंदर है ना, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है और कलर भी कितना सुंदर है, अच्छा है ना? हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, मगर कितने की है? बुआ जी हमें डिस्काउंट में ना बस 10,000 की पड़ी। दस 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 हजार की प्लेट है, इसमें तो चांदी की थाल आ जाती है। इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? बुआ जी ये गिर के भी टूटेगी नहीं, इसे अनब्रेकेबल कहते हैं। नहीं टूटेगी? भाभी इसने तो कहा था ना कि ये, अंग्रेजी में क्या कहा था तुमने, अनब्रेकेबल? हाँ हाँ वही, तुमने तो कहा कि ये टूटेगी नहीं, देखो टूट के टुकड़े हो गए इसके। मम्मी जी टेंशन नहीं, हम कल ही जाके एक्सचेंज कराएंगे गारंटी में, और ऐसे भी ना वहाँ पे और भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है। श्रद्धा आओ तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, ऐसे भी हमारे ऑफिस आसपास ही है। नहीं नहीं आप चले जाइए, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। अच्छा मैं बाइक से जाऊंगा उसका पेट्रोल, तो तुम ऑटो से जाओगी उसका किराया, ऐसे बचेंगे पैसे। खुद ही हमेशा बचत बचत बोलती हो, अब साथ जाएंगे तो पैसे हमारे ही बचेंगे ना। आ जाओ। तुझे जो यूं ही ऐसी हुई मैं तेरी किस्मत की लकीरों से। सड़क पे खड्डे बहुत है, कस के पकड़ लो छोड़ने के बजाय। बोला ना पकड़ो। अरे कस के पकड़ो, गिर जाओगी तुम। रास्ते क्यों ना कितने भी खराब हो, कितने ही ब्रेकर हो, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। रत्ती भर भरोसा नहीं है हमें आप पे। आपके मायके में जब एक प्लेट टूटती है तो आप पूरा सेट फेंक देती है, या अपनी बुद्धि मायके में छोड़कर आई है आप? पिछले 24 घंटों में आपने कितना खर्चा किया पता है आपको? 6,000 रुपए उन सफाई वालों को दिए, 10,000 का ये डिनर सेट लेकर आ गई, 16,000 रुपए आपने एक दिन में खर्च कर दिए, ऐसे घर चलाएंगी आप? भाभी कहना तो नहीं चाहिए पर वो जो बाहर से 1,000 की मिठाई आई थी वो आप जरा जोड़ना भूल गई। हमारे हिसाब से पिछले 24 घंटे में 17,000 उड़ाए हैं, 17,000। कीर्ति घर हमने भी चलाया है, मुश्किलें हमने भी देखी, और आप कोई अंधाधुन खर्चा करने वाली करोड़पति घर से नहीं है जो इस तरह से खर्चा कर रही है। बताइए ऐसा क्यों किया आपने? मम्मी वो एक्चुअली मैं नहीं, खर्चा जिसने किया है जवाब भी वही देगा। थैंक यू।
ड्रॉप करने के लिए। कोई एहसान तो ही ना किया, बगल में ऑफिस है मेरा तो ड्रॉप कर दिया, स्पेशली तुम्हें छोड़ने नहीं आया हूँ यहाँ। वो आपका टीका फैल गया है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे तो पूरा जन्म भी कम पड़े। देखूं तुझे जो यूं ही देखा नहीं है जग में तुम जैसा कहीं, सौ जन्म भी कम पड़े देखूं तुझे जो यूं ही, ऐसे हुए हैं तेरे दीवाने बिन तेरे दिल अब मेरा ना माने। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। वैसे आज मैंने एक चीज नोटिस की, जब सुबह पापा जी आपको शगुन दे रहे थे तो मैंने उनकी आंखों में आपके लिए गर्व देखा, और आपकी आंखों में वो ऑफिस जाओ नहीं तो लेट हो जाओगी, बिल मुझ पे फटेगा। मैंने ऐसा कब किया? तुम नहीं करती पर बहुत है और करने वाले। और सुनो, ये जो आने जाने के पैसे बच रहे हैं ना, अपने खाते में लिख लेना कि अभय ने बचाए हैं, वरना पापा के हिसाब से तो ना ही मुझे पैसों की कदर है और ना ही वक्त की। ठीक है। सुनो, वो अगर शाम को पैसे बचाने हैं तो 7 बजे यहीं मिल जाना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। जी, और आज आपका भी पहला दिन है तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हें जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी जेब पहले ही किसी ने भर दी है। रख। बोलिए कीर्ति, क्यों किया आपने ऐसा? अरे अब बुद्ध बन के क्या खड़ी हैं आप, बोलिए कुछ। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। आपने कहा कि चुप हो जाओ, अब आप ही कह रही हैं कि बोलो, और अगर हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि हम बहुत बोलते हैं। हम कुछ भी कर ले, गलती ना हमेशा हमारी ही होती है। मम्मी जी, हम कोशिश कर रहे हैं ना कि आपको और घर वालों को खुश रखें। आपके कहने पे हमने करवा चौथ रखा, हम सुबह भी उठे, घर की पूरी सफाई भी करवाई, रसोई की रसम भी। पर नहीं, तारीफ तो दूर, आपको तो बस हमारी गलती नजर आती है। हमें तो लगता है यहाँ सबका एक ही काम बचा है, कीर्ति की गलती निकालो। कुछ भी कर लो, किसी को ये समझ नहीं आता कि आपके तरीके और हमारे तरीके अलग अलग भी तो हो सकते हैं ना। पर नहीं, बस कीर्ति की गलती निकालो। ए? देखा देखा ये लड़की किस तरह से। देखा मैंने मम्मी,
आपने कैसे बिना बात के कीर्ति को इतना रुला दिया? क्या जरूरत थी इतनी बात सुनाने की उसे? वो कोशिश तो कर रही है ना, और गलत क्या कहा उसने? वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आप कभी खुश होते ही नहीं। कोशिश? आप ये इसे कोशिश कहते हैं? वरुण, घर हमने भी चलाया है, काम हमने भी किया है, लेकिन इस तरह से ये खर्चा करके। प्लीज, अगर कीर्ति आपके तरीके से कोई काम नहीं कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो काम गलत किया है उसने। सही तो कह रही है, उसका और आपका तरीका अलग हो सकता है ना। वरुण, आप ऐसे। मम्मी, फर्क है, बहुत फर्क है आपके और हमारे जमाने में। आप हर चीज को अपने टाइम से कंपेयर क्यों कर रहे हो? उसके लिए भी ये सब नया है, लेकिन वो पूरे जी जान से कोशिश कर रही है ना। पर अगर आप हर बात पे ऐसी कमियां निकालोगे, गलतियां निकालोगे उसकी, तो कैसे चलेगा? कम से कम उसे एक मौका तो दो। कितनी खुश थी वो, और आपने उसे रुला दिया। ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। आप अपनी बहू की गलतियां देखती रही और वहां आपका बेटा उसी बहू को लेकर फुर हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि आपको इससे बेटर प्लान नहीं मिल सकता। आप पुराने प्लान में खामोखाम पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सर, बेटर ये रहेगा कि आप 2500 का न्यू कनेक्शन, न्यू डेटा प्लान लीजिए। वन टाइम पेमेंट एंड अनलिमिटेड डेटा, और वैसे भी आप हमारे पुराने कस्टमर हैं। सर, जैसा कि उन्होंने बताया, इनकी इंटरनेट यूजेज इतनी नहीं है, तो ये प्लान इनको बहुत महंगा पड़ेगा। एक मिनट, आपका क्या मतलब था? आई थिंक आपको ये 449 वाला प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें आपको फ्री कॉलिंग और पर डे 2GB डाटा मिल रहा है। आपको नया कनेक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, आपके इसी नंबर पे ये डाटा प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। वाह, थैंक्स अभय। एक्चुअली लास्ट सेमिनार में मैं नहीं था ना, इसलिए शायद ये प्लान मिस हो गया होगा। थैंक्स अभय जी, ये प्लान बताने के लिए। यू वेलकम। हमें पता है, आप भी अपनी मम्मी की तरह हमें ताने सुनाने आए हैं ना। वैसे भी इस घर में सब हमें ताने ही मारते रहते हैं। आप भी हमें सुना दीजिए दो चार। अरे, इतना बड़ा नुकसान हो गया। हे भगवान, ये मेरी बीवी का इतना कीमती आंसू यूं ही बहा दिया। कम से कम 1 करोड़ का होगा ये। अब तुम बताओ कौन करेगा इसकी भरपाई? बताओ बताओ। वरुण जी, हम क्या छोटे बच्चे, क्या आप हमें चॉकलेट देंगे और हम खुश हो जाएंगे? इन बातों से हमारा मूड ठीक नहीं होगा। तो फिर किन बातों से ठीक होगा? कीर्ति, मैं तुम्हें ऐसे दुखी रोते हुए नहीं देख सकता। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, अब प्लीज ये रोना बंद कर दो। मम्मी से मैं बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। वरुण जी, आपको क्या पता, आप तो चले जाएंगे ऑफिस हमें छोड़कर। दिन भर हमारा क्या हाल होता है हम ही जानते, क्या क्या झेलना पड़ता है हमें। बस इतनी सी बात, तो एक काम करता हूँ, मैं आज ऑफिस जाता ही नहीं,
सबसे पहले हम अपनी प्यारी सी बीवी को लेके किसी अच्छी जगह लंच पे चलेंगे, ठीक है? और लंच के बाद शॉपिंग? ये भी कोई पूछने की बात? तो फिर चले। लेट्स गो। भाभी हमारे तो अभी भी पैर थर थर आ रहे हैं। कीर्ति तो पराई है मगर वरुण वो तो हमारा अपना है ना। अरे बीवी को समझाने की जगह माँ को चार बातें सुनाकर चला गया। क्या भाभी इसी दिन के लिए आपने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा? मुश्किल से 4 दिन हुए इस कीर्ति को घर में आए हुए मगर देखी कैसे वरुण को पूरा काबू में करके रखा हुआ है। न जाने आगे और ये कीर्ति क्या क्या करेगी। जा रही हो हमारे वरुण को? हमारा मतलब है कि बैलों की जोड़ी कौन से सैर सपाटे पे जा रही है? Oh, actually, बुआ जी, हम लंच करने के लिए बाहर जा रहे हैं। मुझे लगा कि यही बेस्ट होगा और कीर्ति का मूड भी ठीक हो जाएगा, है ना? चलिए हम निकलते हैं। चलो कीर्ति। काम क्यों नहीं उनको रोकने दिया? हिम्मत देखी दोनों की, इतना कुछ हो जाने के बाद भी बेशर्मों की तरह निकल गए। भाभी एक दिन में आपको कितनी बार अपनी बेइज्जती करवानी है? एक बार से मन नहीं भरा जो दोबारा बेइज्जती करवाने जा रही थी। आप ही हमें बताइए, वरुण ने एक बार भी आपसे पूछा कि मम्मी हम जाए या ना जाए? सीधा चला गया। अगर आप उन्हें रोकती तो फिर से वो आपकी बेइज्जती करता, इसीलिए हमने आपको रोक लिया। वैसे ये सब छोड़िए, आपको ये तो याद है ना कि हमें तनु भाभी के यहाँ जाना है खाने पर? हमारा मन नहीं है, आप चले जाइए। भाभी ये क्या बात हुई? हाँ आप तो ऐसे कह रहे जैसे आपका बेटा और बहू बैठकर आपके यहाँ सेवा कर रहे हो। भाभी चलिए ना, वहां जाकर देखते हैं तनु भाभी ने क्या क्या तैयारियां की हुई है। प्लीज भाभी हम आपके बिना नहीं जाएंगे, आपको लेकर ही जाएंगे, आपको आना पड़ेगा। 2 मिनट में निकल रहा हूँ, तुम ऑफिस के नीचे मिलो। ये भाई बहुत चर्बी चढ़ी है। सॉरी सर। सॉरी बोलने का टाइम निकल गया हीरो। हम यहाँ सोच रहे कि कंपनी की सेल्स कैसे बढ़ाए और तुम नुकसान के ठाने बैठे हो। क्या ऐसे चलेगा सेल्स डिपार्टमेंट? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अब कनपट्टी के नीचे 2 कंटाप धरेंगे ना तो सब याद आ जाएगा। हमारी बात काट दी कस्टमर के सामने और सस्ता प्लान बेच दिया। सर आप गलत प्लान दे रहे थे, वो तो कस्टमर का नुकसान हो जाता ना, ये तो धोखाधड़ी होती ना सर। ये अभय जी अभी तक क्यों नहीं आए? 20 मिनट हो गए, तब तो आ जाना चाहिए था। माता रानी करे सब ठीक हो। सर इज्जत से बोल रहा हूँ, मेरा कॉलर छोड़ी। वो कोड़ी के आदमी, वो मैंने तुझे नौकरी दी, मेरा एहसान मांगने की बजाय ये कुत्ता हम पे ही भौंक रहा है। 2 सेकंड नहीं लगेंगे तुझे ऑफिस से बाहर फेंकने में। अरे आप क्या निकालोगे मुझे नौकरी से? मैं आपके जैसे मक्कार धोखेबाज इंसान के साथ काम नहीं करता। हट। क्या बदतमीजी है? सब लोग अपना काम छोड़कर तुम्हारी खुशी बांटने आए हैं और तुम बदतमीजी कर रहे हो? अगर ये खुशियां मेरी जॉब की है ना तो रहने दीजिए, कोई नौकरी नहीं है मेरे पास, छोड़ दी मैंने ये नौकरी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।